रोड पर उतरे हैं। इस देश के हुक्मरानों, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। लोहिया ने कहा था, जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाते हैं। आज हम लोग सड़कों के सूने नहीं, सड़कों को नौजवानों ने चप्पे चप्पे भर दिए हैं और बिहार की तमाम यातायात बाधित किए हुए हैं। हम ऐसे तमाम काले कानून का विरोध करते हैं जो भारतीय संविधान की बनने उसकी मूल भावनाओं के विपरीत हो, जो इस देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता को खंडित करता हो। वैसे काला कानून एनआरसी और सीए का मैं विरोध करता हूं, धिक्कार करता हूं। उसके लिए हम आज रोड पे उतरे हैं। साथियों, हमने यह देखे हैं, हमारे इस विरोध प्रदर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि जनता के विरोध में यहाँ की सरकार है। लोग सरकार के विरोध में विपक्ष होते हैं, लेकिन आज उनके विरोध में इतने लोग हैं कि सरकार विपक्ष में नजर आती है, विरोध करने की नजर। साथियों, हम लोगों को आश्वस्त करना है, हम लोग अपने अपने गांव मोहल्ला में जाएं। या जो बिल लगता है, पहली तौर पर ऐसा लगता है उसकी जो है लोग जो है कनफुसका, उनकी कनफुसकी जो मास्टर है वो कान में जाके कहते हैं, मुसलमानों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से भगाएंगे, मुसलमानों को भगाएंगे। साथियों, यह बिल जो है किसी मुसलमान के विरुद्ध में नहीं है। मैं इसको इस कानून के विरोध में आज रोड पर इसलिए नहीं उतरा हूँ, यह मुसलमान के विरोध में है। मित्रों, यह कानून जो है भारतीय संविधान के विरुद्ध में है, इसलिए हम लोगों ने रोड पर उतरा। यह कानून भारतीय संविधान के विरुद्ध में है तो हम लोग इसको कभी भी लागू नहीं, यदि लागू कर दे। कानून जो होते हैं आम नागरिकों के लिए कानून होते हैं, यदि कानून आम नागरिकों के हित में नहीं है वह कानून मान्य नहीं होगा। हम ऐसे कोई कानून नहीं मानेंगे, हम ऐसा कोई कानून नहीं मानेंगे जो हमें धर्म और जाति के भेद भाव पैदा करता हो। वह कानून कानून नहीं है, वह कानून मनुस्मृति है, बाबा साहेब लिखित संविधानों को यहाँ की मनुवादी सरकार, यहाँ की ब्राह्मणवादी सरकार संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहता है। आज हमें यह बताना है, इस देश के नौजवानों को यह बताना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस मुसलमानों के बल पे संविधान सभा पहुंचकर संविधान लिखने का काम किया, आज उस संविधान को मनुवादियों के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। हम अम्बेडकर के संतान यह बताना चाहते हैं, बाबा साहेब के लिखित संविधान में धर्म निरपेक्षता को खत्म नहीं होने देंगे, कभी नहीं खत्म होने देंगे। यदि तुम चाहोगे मुसलमान के ऊपर गोली चलाना, पहला गोली दलितों और पिछड़ों के सीने पे से होकर जाएगा। हालत में नहीं, तुम्हारे मनसूबे नाकाम, जो दोगली मंसूबे था मैं उसको धिक्कारता हूँ, जुतियाता हूँ, लतियाता हूँ, सारे कुछ करता हूँ। उसने चाहा, उस मनुवादियों ने चाहा हिंदू मुस्लिम करना। हमें तो कभी कभी लगता है इस तानाशाही सरकार को धन्यवाद भी देने को, मुसलमान और दलित पिछड़े आपस में जो भाईचारा होना चाहिए वह नहीं देखने को मिलता था, और इस बिल के वजह से, इस कानून के वजह से आज हमें जो हम लोग नहीं कर पाए ये तानाशाही सरकार ने एक करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए साथियों, हम लोगों को डटे रहना है, तब तक डटे रहना है जब तक कि कानून को निरस्त नहीं करे, ध्वस्त नहीं करे, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। घर से मृतक हो जाता था तो उसके कपड़े आप लोगों को मिलता था, जिससे कि आप लोग अपने अंगवस्त्र को ढकने का काम करते थे। पीछे अगर आप जाएंगे तो आप जब अंग्रेजों की जो गुलामी थी तो कुछ लोग तो सिंगल गुलामी झेल रहे थे, लेकिन आप डबल गुलामी झेल रहे थे। उस समय आपको तो मनुष्य की श्रेणी में माना ही नहीं जाता, लेकिन ये बाबा साहब की देन है कि इन्होंने इतना बड़ा संविधान लिख दिया इस देश के अंदर। तो आज आप लोगों को जागने की जरूरत है, और तमाम लोग हैं जो कि आप लोगों को जगाने का भी काम कर रहे हैं।
हमें तो लगता है कि इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके ऊपर 10-5 मुकदमे कायम ना हो। अब मुकदमे इसीलिए कायम होते हैं कि ये लोग बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन बहुजन समाज जाग गया तो ये जो सत्ता की शीर्ष कुर्सी है, यह सत्ता की शीर्ष कुर्सी हमारे नहीं इन बहुजन के लोगों के हाथों में होगी, क्योंकि इतना बड़ा संविधान है इनको ये अधिकार देने के लिए। और जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर अगले साल यहाँ कार्यक्रम किया जाए तो यहाँ बगल में एक मूर्ति और लगनी चाहिए, और वह मूर्ति लगनी चाहिए माननीय कांशीराम जी की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आप लोगों को ताकत दिया, लेकिन उस ताकत का अगर आप लोग उपयोग कर पा रहे हैं तो यह माननीय कांशीराम जी की देन है। माननीय कांशीराम जी साइकिल चला चला करके आप लोगों के घरों में जा करके उस समय जगाने का काम कर रहे थे जब आप लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के बावजूद आप लोग जब वोटिंग होती थी तो पता चला कि आपकी वोट पहले पड़ चुकी है, कहां जा रहे हो? आप लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, संविधान में तो लिख दिया गया था, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलता था। अगर वो अधिकार आपको मिला है तो यह माननीय कांशीराम जी की देन है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अंबेडकर जी के बगल में एक कांशीराम जी की भी मूर्ति लगनी चाहिए, अगली बार से इसको ध्यान देना आप लोग। और जो यहाँ ये संगठन बना हुआ है, बहुजन मुक्ति युवा संगठन शायद है, भारत मुक्ति मोर्चा संगठन, जी मैं इन युवाओं को, इन नौजवानों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने संगठन बना करके आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, आपके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग संगठित होइए, क्योंकि संविधान लागू हुए आज 70 साल हो चुके हैं, 70 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब भी आप लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। अगर संविधान में जितनी बातें लिखी हुई हैं, अगर वह अधिकार आपको अगर मिल जाए तो आप कहां होंगे ये आप खुद कल्पना नहीं कर सकते, आप खुद समझ नहीं सकते। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग अपने घरों के अंदर तमाम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग संविधान भी पढ़ने का काम करिए, संविधान पढ़िए। जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ताकत है क्या। अभी तो आप लोगों को जेल का डर दिखाया जाता है, अन्याय कोई और करता है, अपराध कोई और करता है, लेकिन डर आपको दिखाया जाता है। अगर आप अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो थाने से 2 सिपाही पहुंचते हैं गांव में और आपको डांटते हैं और आपसे पैसा भी लेते हैं, आपको गलत तरीके से फंसा देते हैं, आप अपनी आवाज बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति LLB ही करे तो अपना जो है वो कानून का जानकार हो, आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है और आप लोग संविधान पढ़िए। इसी के साथ कहने को तो बहुत कुछ है, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, बहुत गरीब घर से हूं, साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन जितना हो सकता है कि अपनी आवाज के माध्यम से आप लोगों को जगाता हूं, और कम से कम 10,000 लोग डेली मुझे गालियां देते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम वक्ता है अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं आपको अंतिम बार फिर से बाबा साहब अंबेडकर जी को नमन करते हुए, माननीय कांशीराम जी को नमन करते हुए आप लोगों का प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब, जय कांशीराम। कल जो घंटाघर पे पुलिसिया दमन हुआ था तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पुलिसिया दमन सिर्फ इसलिए होता है कि लोग खामोश हो जाए और अपनी आवाज बंद कर दे। मैं मानता हूँ कि ये सरकार बिल्कुल ऐसे रास्ते पर जा रही है जहाँ लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाए और जनतांत्रिक जो अधिकार हैं उनको छीन लिया जाए, लेकिन हमें अपने जनतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना है और मजबूती के साथ उस वक्त तक यहाँ खड़े रहना है और विरोध करते रहना है जब तक कि ये
काला कानून वापस हो। कल कई लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनको जेल भेज दिया गया था, कुछ लोगों को छोड़ा गया था, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं से यहाँ पे बदतमीजी की गई थी, जैसा कि महिलाएं बताती हैं कि पुलिस, मर्द पुलिस आके महिलाओं से बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भुर्का निकाल कर मारेंगे। ये लोग तो किसी तरह के हैं ही, ना महिलाओं की इज्जत है ना ही यहाँ के लोगों की इज्जत है। जहाँ संविधान ने कहा हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग को दबा करके ही ये लोग कुछ करना चाहते हैं और कुछ लोगों को, कुछ खानदानों को ये खुश रखना चाहते हैं और उन्हीं के लिए एक मैनेजमेंट का काम करते हैं। पूरा दौलत लूट करके उनकी तिजोरियों में बंद कर देना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें चाहे जो कुछ करना पड़े वो सब करना पड़ते हैं। जैसा कि जो गोमती नगर उतरियाओं में धरना चल रहा है, वहाँ पे पुलिसिया दमन लगातार जारी है और पुलिस लगातार प्रेशर बना रही है कि उस धरने को ख़त्म कर दिया जाए। सर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दमन चक्र ये चलाते रहेंगे जब भी इनको मौका मिलेगा, लेकिन उसका जवाब देते हुए खामोशी के साथ हमें अपना प्रतिरोध करते रहना है। और हमेशा हमारा एक ही नारा रहता है कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। हमसे कोई ऐसा काम नहीं होगा गलत जिससे हिंसा भड़के या हिंसा हो, लेकिन मानेंगे भी नहीं हम। अगर हम पर लाठियां बरसाओगे जब भी हम विरोध करेंगे, जेलों में डालोगे जब भी हम विरोध करेंगे, हमारी महिलाओं को गाली दे रहे हो जब भी हम विरोध करेंगे, महिलाओं को और बराबर का अधिकार दिया संविधान ने, अगर महिलाएं अपना अधिकार इस्तेमाल करके भाई और प्रतिरोध कर रही हैं, प्रतिरोध की आवाज़ उठा रही हैं, तो तुम उनको कहोगे हमने सड़कों पर उन्हें छोड़ दिया? एक तरफ तो तुम कहते हो कि हम मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आज़ादी दिला रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।